श्री गणेश आय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम मूलांक चार वाले जातक कैसे होते हैं, मूलांक चार का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मूलांक चार में जन्मे जातक एवं जातिकाओं का भूत, भविष्य, वर्तमान, रहन सहन, खान पीन, माता पिता, भाई बहन, इष्ट मित्र एवं रोग, शत्रु को लेकर, देश विदेश के भ्रमण को लेकर, उच्च शिक्षा दीक्षा एवं बौद्धिक सुख सुविधा, प्रॉपर्टी वाहन आदि को लेकर, गहर ज्ञानी जेवर आदि को लेकर, यहाँ पे अपने कुल कल्चर को समझ कर हम आज विशेष रूप में मूलांक चार वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए बात करेंगे। माता पिता, भाई बहन, इष्ट मित्र को एवं यहाँ पे प्रेम के रिश्ते, जो सिंगल हैं उन जातक एवं जातिकाओं का भविष्य के बारे में, पति पत्नी बीच के रिश्ते के बारे में बात करेंगे, आर्थिक पक्ष को बारे में बात करेंगे और भौतिक एवं आर्थिक बिजनेस एवं व्यापार, जॉब एवं करियर को लेकर यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण भविष्यवाणी, इनके बारे में नेगेटिव एवं पॉजिटिव स्वभाव के बारे में बात करेंगे, आपके लिए शुभ रंग एवं शुभ अंक के लिए बात करेंगे, रत्नों के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखे रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आपका जीवन क्या कैसा रहता है, ये मूलांक चार का अर्थ क्या होता है, इनका स्वभाव रहन सहन कैसा होते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको मूलांक चार का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है जो मूलांक चार, ये जानना काफी आवश्यकता होगा। ये वीडियो देखने से पहले आपको ये समझना काफी जरूरत है। तो दोस्तों, मूलांक चार का अर्थ है, अगर किसी भी जातक का जन्म किसी भी साल में किसी भी महीने के, अगर आपको आपका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ हो किसी भी महीने में, उस जातक एवं जातिकों का मूलांक चार होता है। तो मूलांक चार जो जातक एवं जातिकाएं होते हैं, इनके लिए देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, सोशल मीडिया आपके लिए, INGO NGO को लेकर, यहाँ पे आपके लिए किसी भी इन्वेस्ट करने के लिए अगर क्या कैसे रहते हैं, इसके बारे में समझेंगे हम। जो मूलांक चार के स्वामी यहाँ पे मूलांक चार के स्वामी कौन है, रावदेव हैं। तो रावदेव को एक राजनीतिक कारक ग्रह भी माने जाते हैं और ये चतुर एवं कपटी ग्रह भी माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मूलांक चार आपका है तो मूलांक चार वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए अंक शास्त्री से यूरेनस एवं का अंतक का मानते हैं, इसके राहु के अंक में माने गए हैं। मूलांक चार वाले महान क्रांतिकारी होते हैं, बड़े राजनीति के चतुर होते हैं और ये षडंत्रकारी भी बड़े ही होते हैं। वैज्ञानिक एवं राजनीतिक खोज एवं तलाश करने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक के रूप में इनको चीना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। राजनीतिज्ञ योग्य होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये अंक में घमंडी वाले भी होते हैं, ये उपद्रव वाले होते हैं, ये काफ़ी छल कपट उपद्रवादी भी हो सकते हैं, लेकिन ये राहु एक घमंडी, उपद्रवादर्वी, अंकारी एवं हट्टी रूप के भी देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग जो जातक एवं जातिकाएं होती हैं, ये साहसी एवं कुशल भी होते हैं, चकित कर देते हैं दूसरे को, देखने वाले जातक एवं जातिकाओं को ये चकित कर देते हैं अपने प्रवचनों से, अपने वचनों से, अपने कामों से, अपनी चलाकियों से। ये बड़े ऐसे चकित करने वाले होते हैं, कुशल भी होते हैं, ये अन्य कामों से काफ़ी निपुणता होते हैं, कई काम में, कई क्षेत्रों में ये निपुणता होते हैं। यदि आर्थिक स्थिति की बात किया जाए तो यद्यपि कई समस्या और उलझनों का सामना ये करना पड़ सकते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, जीवन में धन को प्राप्ति करते हैं, सुख प्राप्ति करते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कभी कभी बढ़ाई उछाल आते हुए देखा गया है, जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति को प्राप्ति करते हैं, इनका जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। तो पैसे के लिए अगर व्यर्थ कामों में खर्च करने की वजह बाज नहीं आते, लेकिन इनको लिए थोड़ा सा खर्च में कभी कभी कंट्रोल करना चाहिए, अगर खर्च में कंट्रोल करेंगे तो आपका जीवन काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो खर्चों के लिए लेकर आपको विचार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर यदि आपका जन्म किसी भी, अगर आपका जो मूलांक चार में हुआ हो तो इनका जन्मदिन या यानी आपका मूलांक जो चार है, आपको बता दें कि ये लोग मस्त मौल स्वभाव के होते हैं, अपने षडंत्र स्वतंत्र विचार एवं षडंत्रकारी भी होते हैं। तो इनके लिए जीवन में देखा जाए तो जिंदगी में केवल एक ही बार ऐसे भरपूर जीना चाहिए कि पता चलता है कि कल क्या होगा। ये सोचते हैं कि मन में
जब जन्म लिया है तो जियो अपने राज से, यश और आराम से जियो, ये सोचते हैं, मजे की जिंदगी जीते हैं। कल को किसने देखा है भाई, कल क्या होगा, कल को सोए हुए का सोए हुए रह के ये जरूर कहते हैं। तो जिंदगी में केवल ये आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, तो बेहद जब तक जीते हैं मजेदार से जीते हैं, ये रात को हो या दिन को कभी किसी से डरते नहीं है। और ये पूर्णतः हंसी मजाक वाले होते हैं, मनोरंजन एवं रोमांटिक पार के होते हैं, देखा गया है। और इनके जीवन में हमेशा लोग के बीच खुशी बांटते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इनका नाम के लोग सिर्फ अपनी हंसी नहीं बांटते बाल्मीक, ये अपने गम भी किसी खास से शेयर करते हैं कि ये मस्त मौल जरूर होते हैं, लेकिन फैसले बहुत सोच समझ कर ही लेते हैं। अगर ये मूलांकन चार वाले जो जातक एवं जातिकाएं, इनकी सुंदरता के प्रभावित कर देती है, कभी कभी थोड़ी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है बेहद, अगर यहाँ पे देखा जाए तो, इसीलिए इनके दोस्त अक्सर काफ़ी सुंदर होते हैं। तो आसपास में बेहद इनके लिए काफ़ी अच्छा माहौल बनाने वाले लोग काफ़ी तरक्की करते हैं, तो ये भी लगे रहते हैं जिंदगी में। ये जो लोग जो हैं मुलायम का चार वाले, चाहते हैं कि उनसे कुछ कुल मिलाकर ऐसे लोगों के साथ काफ़ी काम करना इनको पसंद होता है, जो काफ़ी मेहनतसार होते हैं, लगनशीलता के होते हैं, कार्यक्रम को करते हैं, ऐसे लोग इनके साथ काफ़ी जोड़ने के लिए काफ़ी पसंद करते हैं। इस नंबर के जो चार नंबर के जो लोग हैं, मूलांक जो चार है, हमेशा दोस्ती करनी इनसे चाहिए, ऐसे लोग कभी भी आपका मनोबल गिरने नहीं देते, हमेशा अपने मनोबल को पूर्ण सा ये बलवान बनाए रखते हैं, जीवन में हर क्षेत्र को सफल करते हैं। तो दोस्तों मूलांक चार वाले जो जातक एवं जातिकाएं होते हैं, घर से बाहर समाज राजनीतिक हर प्रकार की यहाँ पे जानकारी रखते हैं। इनके लिए देखो खेल कूद कला संगीत एवं सामाजिक गतिविधि को लेकर, यहाँ पे अपने करियर जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, किसी गारमेंट को लेकर, यहाँ पे मौन मस्जिद से अपने जीवन को अपने स्वतंत्र विचार द्वारा ये अपने काम को करते हैं और जीवन में बड़ी बड़ी सफलता को भी हासिल करते हैं। कूद संगी का प्रभाव फट जाता है, धीरे धीरे दूर होते हैं, आमतौर पर ये समय या समय पर पाबंद रहते हैं, कई बार संघर्षण करते हुए देखा भी जा सकता है। इनकी शिक्षा की बात किया जाए तो अच्छी विद्या प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन इनका स्वभाव गंभीर की कमी के कारण विद्या व्याधन भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर ये सूद बिजली एवं काम विचित्र विषय में रुचि रखते हैं, गुप्त विद्या में भी काफ़ी रुचि होती है, तो जिसकी वजह से इनकी संबंधों के लिए बात किया जाए तो सामान्यतः इनके अपने भाई बहनों से काम पड़ती रहती है, कमी पड़ती है, क्योंकि भाई बहनों के साथ ज़्यादा बनती नहीं है। तो ये यहाँ एक दूसरे के साथ जल्दी मित्रता करने की इनकी क्षमता काफ़ी अच्छी होती है दूसरे के साथ। यहाँ पे इनके कर्म क्षेत्र को लेकर, बातों को लेकर जाए तो मूलांक चार वाले जातक व्यापारी, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर, ठेकेदार, वैज्ञानिक, उद्योगपति, राजनेता, पायलट, यहाँ पे डिजाइनर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, शिक्षाविद एवं लीडर हो सकते हैं। ऐसे लीडर ऐसे पराक्रमी हो सकते हैं कि आपके अंदर आग जला दें, दूसरों को बात करने वाले, जिसका हिम्मत भी गिरा हो, ये उनके अंदर आग जुनून जलाने वाले होते हैं। ये किसी भी विभाग के प्रमुख होकर बड़े बड़े परिवर्तन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाल की इनकी नौकरी में इन्हें कई बार हानि जरूर उठानी पड़ती है, लेकिन हड़बड़ाते नहीं है, लेकिन हानि हो जाए जीवन में कुछ भी नहीं लेकर आए थे खाली हाथ जाएंगे, कोई फर्क नहीं है इनको। ऐसे लीडर आत्मा आनंद का प्राप्ति करके जीने वाले होते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर मूलांक चार वाले जो जातक एवं जातिकाएं हैं, मूलांक चार वाले जो जातक एवं जातिकाओं के लिए वास्तविक एवं स्वभाव के काफ़ी मिलनसार होते हैं ये लोग, सभी के साथ ये बहुत ही जल्दी ही लोगों के साथ घुल मिल करने में काफ़ी सक्षम होता है, एक दूसरे को अपना बनाने में भी इनके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की वजह से लोगों के साथ संवाद करने के लिए काफ़ी आसानी होती है, इन लोगों में अनोखी कलात्मक शक्ति देखी गई है, इनका विवाह भी जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मूलांक चार वाले व्यक्ति काफ़ी वफादार, अपने परिवार का काफ़ी अच्छा ख्याल करते हैं, अपने परिवार को साथ देते हैं, इनकी जो पॉजिटिव जो वाइब्रेशन हैं इनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मूलांक चार वाले व्यक्ति काफ़ी वफादार होने के साथ साथ घर परिवार की रेख देख करने में काफ़ी सफलता प्राप्ति करते हैं, किसी भी समस्या को जड़ को अंत कर देते हैं। और यहाँ पे एक नज़रिया से देखा जाए तो गहराई से देखने वाले, गहराई से रिसर्च करने वाले, गहराई से जानने वाले लोग होते हैं, ये हंसमुख होते हैं, प्रसन्नदायक इनकी फेस में झलकती रहती है, दूसरों के साथ खुशी बांटने में विश्वास करते हैं, उनके ऊपर माता सरस्वती की कृपा
काफ़ी ज़्यादा रहती है, कृपा दृष्टि बनी रहती है। माता सरस्वती की कृपा दृष्टि के कारण से बुद्धि विवेक दे द्वारा काम करने में काफ़ी ज़्यादा होती है, विश्वास रखते हैं। यहाँ पे पूर्णतः इनकी वाणी काफ़ी अच्छी नियंत्रण कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकी बोली एवं वचन को भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी थोड़ी सी कुछ स्वभाव में नेगेटिव बातें आती हैं, तो नेगेटिव बातें के बारे में बात करेंगे। तो अगर यदि जो मूलांक चार वाले जातक एवं जातिकाएं धन संग्रह करने अधिक नहीं कर पाते, सामाजिक शोहरत पाने में चक्कर में कभी कभी दुश्मन बना लेते हैं, तो इन्हें उचित नहीं होता है। कोद्र ज्यादा होता है, कोद्र स्वभाव के होने के कारण इनको, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, तो किसी भी ग्रह में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे फल देता है, कभी कभी बहुत ही नुकसान उठाने पड़ते हैं। स्वभाव इनके लिए सोच सबसे अलग हो सकती है ठीक, परंतु सबके नहीं, दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना क्षणिक आनंदता इनके लिए मिलता है, लेकिन इनके लिए जो दूसरों को स्वार्थ के लिए समझने की कोशिश करना चाहिए। और यहाँ पे इनके लिए तो आनंद मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पे परंतु दूसरों के लिए ठेस पहुँचती है, तो अंतिम परिणाम सुखदायक ही होता है इनका जीवन। विचित्र रोग होते हैं, बीमार के कारण से पता नहीं चलता, फिर भी मानसिक विकार तत्व एवं सांस प्रणाली में रोग एवं रक्तचाप, हृदय रोग, नेत्र रोग, पीठ दर्द, इंद्रिय रोग एवं मिर्गी और निद्रा की समस्या, ये जैसे रोगों से इनके लिए काफ़ी संभावना हानि के योग बन जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो लोग हैं मूलांक चार वाले, जो इनके लिए शुभ रंग एवं शुभ रत्न के लिए बारे में बात करें, इनके लिए शुभ तारीख हैं जो महीने की हैं, इनके लिए 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख काफ़ी शुभ माने जा गए हैं। तो इनके लिए इसी तारीख में अगर कोई काम किया जाए तो काफ़ी अच्छा माना गया। अगर रविवार, सोमवार, शनिवार, बुधवार के दिन आपके लिए काफ़ी शुभ माने गए हैं। रंगों की बात किया जाए तो इनके लिए नीली, खाकी एवं भूरा रंग काफ़ी शुभ माना गया है। इन जातक एवं जातिकाओं के लिए नीलम शुभ काफ़ी फलदायक होता है। तो दोस्तों ये थी मूलांक चार वाले जातक एवं जातिकाओं का भविष्य। आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय माता जी।